हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और यूनिक कैमरा तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे और इस वीडियो में देखेंगे इसको कैसे इसको मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको इंटरनेट के थ्रू हम लाइव कर कहीं पर भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं और इसके साथ ये देखिए अनबॉक्सिंग करी है मैंने और इसके साथ ये एक पिन आती है जिससे आप इसको रीसेट कर सकते हैं और ये इसकी यूज़र मैनुअल आती है और इसकी आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें इसके बारे में बताने वाला हूँ और ये डायरेक्ट इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं होती है और ये कहीं भी मोड़ सकते हैं मोड़ के आप इसको कहीं पर भी फिट करना चाहते हैं और ये एरिया भी बहुत कवर करता है क्योंकि इसका 120 डिग्री एंगल व्यू है ठीक है आप अगर एक कमरे में लगाते हैं तो काफ़ी एरिया कवर कर लेता है ये कैमरा तो इसके वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे और कैसे इसको यूज़ करना है कैसे इसको इस्तेमाल करना है पूरा इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पर इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगता है बट इसके अंदर बैटरी नहीं होती है ये ध्यान रखना तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड मैं लगाना दिखा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मेमरी कार्ड किस तरीके से लगाते हैं तो आप देख लीजिए इस तरीके से आप इसके अंदर मेमरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं तो ये देखिए आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा के और आपको किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको प्रेस कर सकते हैं वैसे नेल्स के थ्रू ही प्रेस करके आप इसको लगा सकते हैं और वैसे ही इसको निकालना है ठीक है ये ध्यान रखना है जैसे आप इसको लगाएंगे क्लिक की आवाज़ आती है जब आप इसको लगा देंगे और ये अंदर को पूरा फ्रेश तरीके से लग जाएगा और ये इसका रीसेट का बटन होता है यहाँ पर जब आप इसको यूज़ करें तो सबसे पहले 10 सेकंड तक दबाए रखें और इसको एक बार रीसेट ज़रूर कर लें रीसेट से ये बिल्कुल न्यू बन जाता है अगर किसी ने पहले किसी के साथ भी मोबाइल के साथ कनेक्ट भी करा है और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको ज़रूर पहले एक बार रीसेट कर लें और अभी मैं इस पावर बैंक के थ्रू इसको चला के दिखाऊंगा और जब भी कोई भी पावर बैंक यूज़ करें पहले उसकी लाइट जला लें अगर उसके अंदर लाइट नहीं है तो आप एक बार वैसे यूज़ करके देख लें क्या पता वो डायरेक्ट चल जाए अगर नहीं है चलता है तो उसके अंदर लाइट आपको जल, जलानी ज़रूरी पड़ेगी तो ये देखिए यहाँ पे इसकी लाइट जलती है जैसे ही आप इसको लगा देंगे तो यहाँ पे इसकी हल्की बहुत ही हल्की ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक होती है जब ये ऑन होता है उसके बाद खाली ब्लू लाइट ही इसकी जलती रहती है ठीक है मतलब अप डाउन अप डाउन करती रहेगी तो उसका मतलब है कि वाई के साथ कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है और इस वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करना है और ये वाला अगर पावर बैंक भी अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी बता सकता है प्लस किस को भी बाय करना हो ये ख़रीदना हो ये प्रोडक्ट तो डायरेक्ट मेरा नंबर मैंने ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है आप वहाँ पर कॉल करके मुझसे ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और इसकी क्वालिटी सच में ही लाजवाब है बहुत ही अच्छी है और ये वी थ्री एप वी थ्री ज़ीरो एप्लीकेशन पर वर्क करता है ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है तो ये देख सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है राइट हैंड साइड में मोबाइल देख पा रहे हैं इसमें आपको प्ले स्टोर पर जाना है और जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करना है तो वहाँ पर वी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है वी एप्लीकेशन प्रो का मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है वैसे वी थ्री एट भी ये चलेगा अगर जिसके अब जिसको पुराना वी एप्लीकेशन चलाना आता हो तो उस पर भी ये चला सकते हैं बाकी वी थ्री एप्लीकेशन प्रो जो है वी थ्री एट जीरो वो उस पर आपको मैं ये पूरा समझाऊंगा किस तरीके से कनेक्ट करना है कैसे यूज़ करना है सब चीज़ बताऊंगा और दोस्तों प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और लास्ट में ज़रूर जब आप जाएँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो इंस्टॉल हो गई है और मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको सारा प्रोसेस ऐसा नहीं है कुछ भी स्किप करके बताता हूं क्योंकि काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे आप वो स्किप करके बताते हैं मैं जो भी है एक्यूरेट बताता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे रीड एंड एग्री का लिखा आ रहा है यहाँ पे रीड एंड एग्री कर देना है और सब चीज़ को अलाउ कर देना जितने भी कोई भी आए सबको अलाउ करना है यहाँ पर ठीक है अगर डिनाई कर देंगे तो फिर वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आएंगे right और ट्राई नाव पर क्लिक करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ये करना है अदरवाइज़ ये कनेक्ट नहीं होगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है रजिस्टर्ड ऑप्शन आएगा लिखा हुआ वहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना रजिस्टर्ड पर क्लिक करने के बाद अपना रीजन सेलेक्ट करना है एशिया ठीक है इंडिया के हैं तो आपको एशिया रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देनी है इसके अंदर और वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा हम नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ई मेल आई मेरी पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए ये दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी तो पहले हम क्या करेंगे हम मेन पेज पर जाएंगे वहाँ पर और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मांग रहा था वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड इसका डाल देंगे और वहाँ पे ये अब कैमरा ऑनलाइन शो करना शुरू कर देगा अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए अगर आपके पास इसका पासवर्ड है डिलीट करना है आपको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले से भी बहुत सारी डिवाइस इसके अंदर डाल रखी थी तो इसलिए ये मेरी डिवाइज़ अपने आप जैसी मैंने लॉगिन किया उसके बाद सारी डिवाइस शो करने लग गया है तो इसमें क्या करना है सबसे पहले हमें वाई में जाना है वाई में जाने के बाद और हमें ये कैमरे का वाई सर्च करना है और ये देखिए एम करके सर्च एम करके ये वाई फाई सेलेक्ट हो जाता है इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है इसमें कोई भी पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछता है ठीक है ये आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी अन्य वाईफाई जो भी कनेक्ट है उसको हटा देना ऑटो कनेक्ट डिसकनेक्ट कर देना है ठीक है और इसको ना भी करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है मैंने जस्ट बता दिया है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं कईयों के वाईफाई इसलिए मैंने ऑटो कनेक्ट हटा दिया है वो वहाँ से और उसके बाद आपको क्या करना है रिफ़्रेश करना है ऊपर से नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और देखिए लाइन ऑनलाइन शो करने लग गया है अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है ठीक है यहाँ पे पासवर्ड क्योंकि ये मैंने पहले से इसको रजिस्टर्ड कर रखा था और मैं पासवर्ड इसका भूल चुका हूँ तो इसलिए मैंने जो पहला वाला ऑप्शन बताया था ना आपको जो छोटी सी पिन मिलती है उसको क्या करना है उसको दस सेकेंड तक प्रेस करे रखेंगे तो ये अपना कैमरा ऑल अपने आप ही रीसेट हो जाएगा उसके बाद आपका आपको सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वो फॉलो करना है पहले वाईफाई में जाना है वाईफाई में जाने के बाद उसके बाद ये सारा स्टेप दोबारा से फॉलो करना है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली ऊपर से रिफ्रेश करना है रिफ्रेश करती है आपका कैमरा ऑनलाइन शो हो जाएगा बट ये ध्यान रखना है जब भी ये जो तो देखिए ऑनलाइन का कैमरा जब भी शो होगा ये ध्यान रखना है आपको वाईफाई में जाना है रीसेट करने के बाद और जब भी आपको ये चीज़ का एक ध्यान रखना है कि जब भी मैं डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ ये दस से पंद्रह मीटर ही चलेगा मतलब 10 से 15 मीटर के कैमरे के दायरे में होंगे आप तभी ही काम कर पाएंगे अब देखिए पासवर्ड पूछने लग गया पहले इनने क्या पूछा कि पासवर्ड जो आप पहले डाल चुके हैं वो डालना है अब इसमें क्या बोला न्यू पासवर्ड क्रिएट मतलब आपको नया पासवर्ड बनाना है तो मैं इसमें एडबिन वन टू थ्री डाल देता हूँ और दोनों में ऊपर नीचे में सेम डालना है ठीक है तो जो मैं बता रहा था कि दस से पंद्रह मीटर ठीक है आप इसको दस से पंद्रह मीटर ही डाल चला पाएंगे अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं जैसे कि मैंने अभी कनेक्ट किया है आप इसको ऑनलाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी मैं इसके अंदर सिखाऊंगा ठीक है तो ये बात का जरूर ध्यान रखना है जब आप इसको ऑनलाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा अभी फिलहाल में ये डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्ट मतलब कि अभी 10 से 15 मीटर के दायरे में ही आप देख पाएंगे इसको तो मैं डीपली थोड़ा सा समझाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता बाकी ये देख सकते हैं इसके अंदर ऑटो नाइट विजन है मतलब अंधेरे के अंदर अपने आप ही नाइट विज़न ऑन हो जाता है जबकि आप और भी कैमराज देखेंगे तो उसके अंदर नाइट विजन ऑन नहीं होता है जबकि इसके अंदर हो जाता है और ये नाइट विज़न इसका नहीं काम करता है ध्यान रखना क्योंकि इसके अंदर कोई एल वगैरह नहीं लगी हुई है तो ये वाला नाइट विज़न नहीं है ठीक है ये नाइट विजन नहीं है हाँ लो लाइट विजन है मतलब कम रोशनी में भी अच्छा काम करेगा कैमरा बट नाइट विज़न नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना है कोई मेरे से दोबारा ना पूछे ये सवाल कि ये नाइट विज़न है या नहीं है नाइट विजन नहीं है तो ये देख सकते हैं ये कैमरा पूरा वर्क कर रहा है और इसमें आप एस डी एच डी इसको कर सकते हैं दो ऑप्शन आते हैं एच डी का और एस डी का ठीक है और बाकी ये इन्वर्स भी कर सकते हैं अगर आपसे गलती से उल्टा लग गया है तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं मोर पे जाके इनवर्स पे क्लिक करके ठीक है बाकी ये प्ले पॉज बटन है आप इसकी ये देखिए एस डी और एच डी कर सकते हैं जो मैं बता रहा था एस डी और एच दो क्वालिटी आती हैं बाकी प्ले पॉज बटन है इसका और साउंड बटन है इसके अंदर ये प्ले पोज बटन मतलब वहीं की वहीं रुक जाती है वीडियो और ये दूसरा जो है इसकी साउंड सुननी हो वो भी सुन सकते हैं बीच वाला बटन से आप क्या है चार पांच कैमरे अगर चलाना हो चार पांच कैमरे लगे हों आप एक क्योंकि एक एप्लीकेशन से कितने भी कैमरे कनेक्ट कर सकते हो मतलब कितने भी मतलब करीबन दस बारह तो आराम से कर सकते हो ठीक है और ये देखिए इसके अंदर जो ऑडियो वाला बटन है ये स्नैपशॉट है सॉरी स्नैप शॉट पर क्लिक करेंगे तो स्नैपशॉट मतलब फोटो खींचने के लिए और ये ऑडियो वो सॉरी रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड कर रहा है अब ये वीडियो सारी रिकॉर्ड कर रहा है जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे वो सारी आपकी फाइल uh, में आ जाएंगी सॉरी गैलरी uh, में आ जाएंगी जो जो भी रिकॉर्ड करोगे बाकी ये प्लेबैक का बटन इसके अंदर बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही बढ़िया होता है प्लेबैक का बटन इसके अंदर जो भी पुरानी वीडियो होती है जो भी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई हैं ऑनलाइन नहीं मेमोरी कार्ड में जो भी वीडियो हुई हैं वो सारी वीडियो आप देख सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई आईकन पर पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं मैंने प्लेबैक के बटन के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है ठीक है और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा इसको मैं ऑनलाइन कनेक्ट करके दिखाऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है ऊपर प्लस वाला बटन है उस पर क्लिक करना है प्लस वाले पे ठीक है किस पे प्लस वाले पे प्लस वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहले अभी सेटिंग्स से पर बता देता हूँ थोड़ा सा मैं और ये देखिए जनरल सेटिंग्स से हैं कुछ और ये नेटवर्क की सेटिंग है यहाँ पे इसका देखिए जो ऑनलाइन आपने जो वाईफाई से कनेक्ट करा था वहाँ पे अगर इसका पासवर्ड डालना चाहते हैं ना तो यहाँ पर इसका पासवर्ड भी डाल सकते हैं तो जो कोई भी वाईफाई से इसके कैमरा के वाईफाई को कनेक्ट करेगा तो उसका पासवर्ड यहाँ पे उससे मांगेगा वो तो ये ये भी कर सकते हैं बाकी पासवर्ड ये जो अभी जो पासवर्ड मांगा था कैमरे के लिए वो वाला पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसमें दो तीन करके पासवर्ड दिखा रहा है सब में डालना पड़ेगा बाकी डिवाइस टाइम है अलार्म है ये यहाँ से इसका अलार्म ऑन कर सकते हैं मोशन डिटेक्शन जो पूछते हैं ना तो वो अलार्म यहाँ से कर सकते हैं बाकी अगर जिसको कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है अभी तो इसके अंदर एच कार्ड नहीं डाला हुआ है अगर कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग पे ओके okay करना है मेमोरी कार्ड डालने के बाद ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कंटिन्यू वीडियो और बाकी एच कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और आपको लो लाइट में बना लो क्वालिटी बनानी तो एच की जगह एच भी कर सकते हैं बाकी एडवांस एडवांस सेटिंग है इसको आप ना चेंज करें तो बढ़िया है ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए बाकी अब इसको हम कनेक्ट करेंगे प्लस साइन को बटन पर क्लिक करके जैसे ही आपने प्लस साइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड कैमरा लिखा हुआ आता है ठीक है ना प्लस प्लस के साइन पर क्लिक करके ऐड कैमरा पे क्लिक करना है ऐड कैमरा के बाद पहला ऑप्शन जो आ रहा है वाईफाई स्मार्ट कैमरा इस पर क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद ऐड हॉट स्पॉट कनेक्शन अगर आपको डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करना है तो हॉट स्पॉट करिए ठीक है और ये वाईफाई ये तो बारकोड के थ्रू होता है अगर आपके पास बारकोड है तभी आप इसको कर पाएंगे ठीक है अगर किसी के पास बार कोड नहीं है तो मैं वो भी इसको समझाऊंगा किस तरीके से वो इसको कनेक्ट कर सकता है बिना बार कोड के भी ठीक है ये जस्ट मैंने आपको बताया है बिना बार कोड के भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वो पहले वाले ऑप्शन के थ्रू बिना बार कोड के थ्रू कर सकते हैं इसमें भी बार कोड ही पूछ रहा है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जो हमने वाईफाई से क्लिक कर रखा है ना जो वाईफाई इसका सेलेक्ट कर रखा है वो वाईफाई यहाँ पर शो कर जाएगा उस पर हमें क्लिक कर देना है जो एम बी करके आ रहा है ना इस पर क्लिक करते ही जो नियरेस्ट अब इसका हॉट स्पॉट है ये ध्यान रखना जो नियरेस्ट हॉट स्पॉट है या वाईफाई राउटर है या फिर मोबाइल का हॉट स्पॉट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा उसका उसका शो होते ही उसका पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डालते ही इसको कन्फर्म पे क्लिक करना है पासवर्ड डाल दिया मैंने मेरा यहाँ पर ट्रस्ट एम एंटरप्राइज करके मेरा वाईफाई शो कर गया है जो कि मेरी कंपनी का नाम है तो उस पर क्लिक करते ही कन्फर्म कर दिया अब अपने आप कम से कम कम से कम दस से बीस सेकंड लेगा ये अपने आप कनेक्ट होने के लिए तो इसको थोड़ी देर हमें छोड़ देना कुछ भी छेड़ना नहीं है ना ही कैंसिल पे ना ही किसी चीज़ पे क्लिक कर देना है और ये देख सकते हैं कैमरे का वाईफाई यहाँ से हट चुका है इसका मतलब अब ये ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए रेडी है तो अब ये देखिए यहाँ से ये कनेक्ट मांगा था इसने तो उसको कनेक्ट कर देंगे लिखा हुआ जो आया था और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे अपना कोई भी नाम सेलेक्ट करके तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद अपने एट से चला के दिखाऊंगा मैं इसको वैसे मेरा नेट स्लो है बहुत यहाँ पे चलता नहीं है ऑफ़िस के अंदर फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सकता है चलाने की कोशिश करता हूँ मैं तो अभी देखिए अभी कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही आ रहा है मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें स्टार्ट होने में तो अभी कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही आ रहा है तो अभी एक सबसे पहले क्या करेंगे अब इसको हटा देंगे यहाँ से फाइल को वो सॉरी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देंगे अगर ऐसा आपको दिक्कत आती है तो क्लोज़ कर दें सारी एप्लीकेशन क्लोज़ कर दें उसके बाद दोबारा से ओपन करें V3 एप्लीकेशन को तो यहाँ पे देखिए V3 एप्लीकेशन को मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शो कर गया और वो भी इंटरनेट के थ्रू कोई वाईफाई से किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा अब ये इंटरनेट के थ्रू चल रहा है हाँ स्पीड थोड़ी स्लो है मैं मान सकता हूँ बट इंटरनेट के थ्रू अब ये चल चुका है ठीक है ये देख सकते हैं कोई वाईफाई कुछ नहीं है सब इंटरनेट के थ्रू चल रहा है हाँ स्पीड थोड़ी सी स्लो आती है मेरे ऑफिस में जिसकी वजह से थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है कनेक्टिंग कनेक्टिंग आ रहा है ये इस वजह से ही आ रहा है क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है बट जहाँ पे रुकता है वहाँ की वहां तक की क्वालिटी जैनवन ही देता है फुल आपने एस डी लगा रखा है चाहे एच डी लगा रखा है क्वालिटी जो आपने लिखी है वही देगा चाहे थोड़ा सा रुक रुक के दे ठीक है क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करता है सब कुछ अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो बढ़िया बढ़िया चलेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अगर स्पीड स्लो है तो आपका ऐसे ही रुक रुक के थोड़ा सा चलेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ही स्लो नेटवर्क आते हैं इसलिए देख सकते हैं कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही लिखा आ रहा है बार बार और ये इसी वजह से आ रहा है बाक़ी मैं आपको पूरा देखिए मैं कोई वीडियो स्किप वगैरह नहीं करता हूँ जैसी वीडियो बनाता हूँ वैसे ही आपको दिखाता हूँ ये नहीं है कि बीच में मैंने काट दिया है कुछ इसमें कोई स्किप कर दिया है स्टेप ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार वीडियो स्किप मत किया आप करो आप डायरेक्ट दिखाया करो तो इसलिए मैं पूरी दिखाता हूँ तो जिन भी लोगों को यार दोस्तों वीडियो अच्छी लगे करें ना प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब करो यार थोड़ा सा मुझे प्रमोट करो मैं और भी अच्छे अच्छे कैमरास की वीडियो लाऊंगा ये मेरी प्रॉमिस है और सारे कैमरास को जितने भी जो भी आप कहे करोगे मैं सबको खोल के दिखाऊंगा उनको ठीक करना सिखाऊंगा बट थोड़ा सा प्रमोट करो थोड़ा सा मुझे प्यार दो और जिन भी लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगे वो अगर बाय करना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे खरीद सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर